ई सब नंबर है, इसको दबा के ई हरा बटन दबाओगे तो फोन लग जाएगा, और फिर जब बात हो जाए ना तो ई जो लाल बटन है ना, लाल बटन इसे दबाओगे तो फोन कट हो जाएगा। कितना आसान है। फुलमती दीदी, इसे एक बार हाथ में लेकर तो दिखने दो। ई लो, लेकिन आराम से, गिराना मत। कुछ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शेर की आवाज थी, शेर नहीं था। डरो मत, आओ। बाप रे बाप, ये तो सचमुच डरा दिया जी। अरे ये तो अलार्म था, देखो सो के उठने के लिए या कोई बात याद दिलाने के लिए इसमें फिट कर दिया जाता है, फिर ई उसी समय पे बजेगा और बात याद आ जाएगी। अरे बाप रे, हमको भी एक बात याद आ गई। क्या, खाने की? हट। लाली दीदी, संदीचा दीदी ने आपको और सुमती दीदी को जरूरी काम से बुलाया है। ये देखिए, मजबूत, सस्ता, टिकाऊ। ओ भैया, यहाँ ये देखिए, अरे जूता ले लो भैया, जूता। देखिए चप्पल ले लो भैया, केवल 10 रुपए का एक जोड़ी भैया। ओ भैया, लेकिन फटने का नाम नहीं लेगा। आइए आइए, ये देखिए 10 रुपए का एक जोड़ी, ये देखिए चप्पल। वाह अंकुर, वाह, कमाल कर दी, बहुत बढ़िया धंधा ढूंढ निकाला है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बल्ली भैया। 10 रुपया केवल, मजबूत, सस्ता, टिकाऊ। ए ननकू, अरे सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, समझे? थोड़ा दम ले लो, सांस ले लो। देखो अब तू ननकू चूहा मार नहीं, अब तुम सेठ ननकू प्रसाद जूता वाले का, जूता वाले। सुनने में कैसा लग रहा है? बल्ली भैया, धंधे के वक्त काम काहे खराब कर रहे हो, धंधा करने दीजिए ना। भैया देखिए, चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ लग गई तो ससुरा अपने आप को पंसारी समझने लगा। 2 मिनट के अंदर तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे, समझे कि नहीं? धंधा बताते हैं तुम्हारा धंधा, अभी देख। देखिए,
ये तो मेरी चप्पल है ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कल रात को जो मंदिर से हमारी चप्पल चोरी हुई थी, तुम उनको चुरा के यहाँ बाजार में बेच रहे हो हैं? कैसे हो सकता है भैया, कूड़े के ढेर से ढूंढ के लाए हैं भैया। अच्छा 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 अच्छा, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो और बोलते हो कि कूड़े के ढेर से उठा के ले गए थे। तो झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ये देखो, हम खाली पैर है, हमारा जूता यहाँ पर है। ए माई, ये देखो ये देखो, ए भैया ये देखो, क्या क्या देखा? ये हम कल से खाली पैर घूम रहे हैं। ससुरा चोर कटवा, हमारे जूता चोरा लिया। अरे गरीब है भाई, चोर नहीं है हम। कहाँ जाए? अरे चोर नहीं, चोर नहीं। अरे भैया हम कल उनको पुलिस को दे दोगे तो आप चोरी करने आए। जैसा मुंह लेके, अरे अपने गांव का गरीब आदमी है, मजबूरी में अगर चोरी कर लिया तो कहा सब लोग मिलके जान ले लोगे? चोरी करेगा मजबूरी है तो? चल चल अपना अपना काम कर। चोट्टा कहीं का चोरी करता है। बस मुंह बंद निकल। ननकू ननकू, हम तो पहले ही मना किए थे कि ये गांव में तुम धंधा करने का सपना मत देखो, लेकिन तुम तो अपनी बिटिया का गौना करने का सपना देखने लगे। इतने मजबूर हो गए कि तुम जूता चप्पल चोरी करने लगे। अरे ननकू, हमारी बात मान ले, तुम्हें ये सब करे की जरूरत बिल्कुल न पड़ी। चाहे हमें अपनी खाल के जूते बनाकर बेचना पड़े, तुम्हारी बात ना ही मानेंगे हम। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। हम जानते हैं तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन ननकू, एक दिन तुम अपनी बिटिया का गौना करवाने हमरे पास आओगे, ये बात गांठ बांध लो। सनिचरी, ए सनिचरी, Ah!
बात का है बताना। सब लोग बोलियो नहीं रही है, रोए जा रही है, बताना क्या हुआ। ये सनीचरी बोलो क्या बात है। बोलना क्या बात है, बोल बोल लाली। हे चाची, सनीचरी इतना रो का रही है। अरे कौनो बात नहीं है, इसका गौना हो रहा है ना, ससुराल जा रही है तो माँ बाप सब छूट रहे हैं तो रोबे करेगी ना। अच्छा तई बात, इतनी सी बात पर इतना रोना धोना, बाप रे बाप, एकदम में पगली है। चुप, हमेशा के लिए हम लोग थोड़ी ना छूट जाएंगे। अब बोलती काहे नहीं है। बेचारी कहाँ बोलेगी, इसका गौना हो रहा है और तुम सबके होते हुए ना नाच ना गाना। तुम सब जाके जाओ, सब सखी सहेली को बुला के लाओ तो देखो कैसे खुश हो जाएगी। हाँ चाची, हम भी यही सोच रहे थे। ए फुलमतिया, चल सबको बुला के लाते हैं। हाँ चल चल। Oh,
जा रही है ना, तो सखी तोड़ाई देने का हक तो हमरा हुआ ना। हम तुझे सखी तोड़ाई में देने के लिए सिंदूर के टिपिया लाए थे। ससुराल जाने की खुशी से ज्यादा सखी के भी छोड़ने का दुख है।